हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर. चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3. बिफोर दैट 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा फिनिश हो चुका है. इज दैट क्लियर बेटा? और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए. उसमें बच गया था एक प्लांटिया किंगडम एंड एक एनिमलिया. ओके, तो नाउ इन चैप्टर नंबर 3 वी डिस्कस अबाउट द प्लांट किंगडम. ओके, तो देखिए प्लांट किंगडम की हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है. इज दैट क्लियर बेटा? प्लांट्स के अगर जनरल फीचर्स हम देखें तो प्लांट्स कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स, ओके, मल्टी सेल्यूलर एज वेल एज क्लोरोफिलस. इट मीन्स दे हैविंग क्लोरोफिल. ओके बेटा, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब इनमें क्लोरोफिल है तो ये कैसे हैं? ऑटोट्रॉप्स है. ऑटोट्रॉप्स है, इट मीन्स दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, अब बेटा बहुत अलग अलग कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय द कैरोलस लिनेस. ठीक है, इनका नाम आप पहले भी पढ़ चुके हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर. ओके, ही गिवन द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स, सॉरी प्लांट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. अब मॉर्फोलॉजी आपको पता है, किसी भी प्लांट की जो बाहर से अपीयरेंस है, लुक है, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. इज दैट क्लियर बेटा? तो इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया, यानी उनके वेजिटेटिव फीचर, कि उनके लीव्स का साइज कैसा है, शेप कैसी है, उनके जो स्टेम है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है या ट्रायंगुलर है, इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया. नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वॉज गिवन बाय द बैंथम एंड हुकर. बैंथम एंड हुकर, ओके बेटा. तो इन्होंने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अलावा मेन जो इम्फेसाइज किया था वो क्या था? इंटरनल फीचर्स पे, यानी ये थोड़े से एनाटॉमिकल फीचर्स पे भी पहुंच गए थे. एनाटॉमिकल फीचर से आप समझते हैं कि भाई उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनली सेल की शेप कैसी है, इंटरनली जो स्ट्रक्चर है उसमें जाइलम कहाँ पे है, फ्लोएम कहाँ पे है, लीव्स का इंटरनल में किस तरह से टिश्यूज़ का अरेंजमेंट होता है, एवरीथिंग शुड बी देयर. इसके अलावा नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इज दैट क्लियर? इसमें कोई स्पेसिफिक नेम ऐसा गिवन नहीं है, बट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं बेटा? एज यू नो कि आर्कियोप्रेटारिक्स है, दैट इज ए लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. ओके, क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो माना गया कि वो बर्ड्स जो है उन्हीं से अराइज हुए हैं, और क्योंकि उसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर था जो रेप्टाइल्स में होता था. तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज फीचर्स, यानी इन्होंने पता लगाया कि कौन किसके पेरेंट्स हैं उनके फीचर्स को देख के, और इवोल्यूशनरी बेसिस के रिगार्डिंग जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट एक वर्ड आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? ये एक तो कंप्यूटर बेस्ड है, आपको याद रखना है बेटा, दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी. इज दैट क्लियर? टैक्सोनॉमी तो आप बहुत वेल नोन है इस वर्ड से, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. क्लासिफिकेशन से रिलेटेड टर्म है, कि क्लासिफिकेशन जो पूरा करते हैं दैट इज कम अंडर द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी. इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट्स को, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देन उनको कंप्यूटर में कंप्यूट किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन क्लासिफाई द प्लांट्स. न्यूमेरिकल यू नो कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे भी हो सकता है, या नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो किसी और को ही अपना टारगेट बना सकते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात आती है साइटोटेक्सोनॉमी. साइटो आपको वर्ड से पता लग रहा है, साइटोलॉजिकल फीचर से रिलेटेड है. साइटोलॉजिकल फीचर्स में क्या आते हैं? जैसे इसमें आ गया क्रोमोजोम नंबर आ गए,
ठीक है, क्रोमोसोम नंबर है, उनकी स्ट्रक्चर है, उनकी शेप है। इज दैट क्लियर बेटा? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये साइटोलॉजिकल या साइटोटैक्सोनॉमी है। इसके बाद आती है लास्ट में कीमोटैक्सोनॉमी। व्हाट इज द कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी प्लांट्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर, यानी इसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल से टर्म्स थे बेटा जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में गिवन है, और हर टर्म से आपको नॉन होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। अब देखिए बात आती है, ये तो कुछ सिंपल से जनरल से टर्म्स थी, थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे इसमें। तो प्लांट्स को हम जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? प्लांट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम? टू पार्ट्स में। वेट ए मिनट, ओके बेटा, प्लांट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज क्रिप्टोगैमे, ठीक है, एंड सेकंड इन फिनीरोगैम। इज दैट क्लियर? जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ओके। और इसमें आपके कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड लास्ट वन इज स्टेरिडोफाइटा, ठीक है बेटा। सेकंड जो ग्रुप है वो है फिनीरोगैम्स। फिनीरोगैम्स इट मींस दे प्रोड्यूस्ड सीड, और सीड प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें हम डिवाइड कर देते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इज दैट क्लियर बेटा? यानी प्लांट्स को मेनली हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज क्रिप्टोगैम विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ओके, एंड अनदर इज फिनीरोगैम्स विच प्रोड्यूस सीड, ओके। तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते वो क्रिप्टोगैम है। इसमें तीन क्लासेस आती हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिनके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और एक आपका आता है फिनीरोगैम्स। तो फिनीरोगैम्स में कौन आते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं? इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है इसमें हमारी एक है एल्गी, जिनको मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ प्लांट्स माना जाता है, ठीक है, एल्गी। तो एल्गी के जनरल फीचर्स और इसकी कुछ टाइप्स बेटा वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, हैव ए गुड डे।